हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। एक्चुअली में लिन का क्रश चैन पर पिछले 10 सालों से होता है। लिन सोच रही होती है, फाइनली हम दोनों एक हो ही गए। और चैन तो होश में ही नहीं था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिन की आंखें खोलती है तो चैन वहाँ पर नहीं होता। तभी उसके डैड आकर उसे एक चाटा धर देते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है। तुमने शादी करने का फैसला किसी और के साथ लिया और यहाँ पर किसी और आदमी के साथ सो रही थी। लिन बोलती है, वो चैन ही था जिसे मैं काफी सालों से पसंद करती हूँ। इवन उसने कल मुझे प्रपोज भी किया था। ये बोलकर वो अपने डैड को अपना हाथ दिखाती है, लेकिन उसमें रिंग तो होती ही नहीं है। ये देखकर लिन सोचती है, ये कैसे हो सकता है, कल ही तो उसने मुझे प्रपोज किया था। उसकी सौतेली बहन बोलती है, बहाने बनाना बंद करो, शादी से बचने के लिए ये बेकार के बहाने मत दो। लिन तो सोच में डूबी होती है, चैन उसे बिना बताए यहाँ से कैसे गायब हो गया। फिर वो उसे कॉल करने लग जाती है, लेकिन चैन का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। ये सब देखकर डैड बोलते हैं, तुम और कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारी जैसी लड़की तो लिन फैमिली में रहने के लायक ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बनाने का सोचा था, लेकिन अब से हमारी एक ही बेटी है, वो है शिंग। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लिन रिसेप्शनिस्ट से आकर पूछती है, क्या तुमने इस बंदे को देखा है। वो बंदी भी साफ इंकार कर देती है, ऐसा दिखने वाला आदमी तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया और ना ही हमने उसे देखा है, शायद आप किसी सपने में हो। लिन बोलती है, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो उसमें सीसीटीवी फुटेज भी गायब होती है। ये भी शिंग का ही काम होता है, सीन कट होता है। इसके बाद हमें 10 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसकी डिलीवरी होने वाली थी और वो एक नहीं पूरे 5 बच्चों को जन्म देती है। इसके बाद हमें सीधा 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 5 बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक उसकी बेटी होती है और बाकी के 4 बेटे होते हैं। उसमें से एक बच्चा तो हैकर भी होता है और वो 5 के 5 काफी ज्यादा जीनियस होते हैं। वो 5 बच्चे टीवी में अपने डैड को देख रहे होते हैं, यानी कि मिस्टर चैन को, क्योंकि उन्होंने अपने मॉम के फोन में चैन की फोटो देखी थी, जिससे उन सब बच्चों को पता चल जाता है कि चैन ही उनका डैड है। 5 बच्चे डिसाइड करते हैं कि इस बार हम अपने डैड से मिलेंगे। ये बोलकर वो तैयार होकर वहाँ पर जाने लगते हैं। वहाँ पर चैन का इंटरव्यू हो रहा होता है। रिपोर्टर उससे पूछ रहे होते हैं, आपके ग्रैंडपा ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि चैन ग्रुप का नया सीईओ कौन बनेगा, क्या आप बनने वाले हो नई सीईओ, फिर आपके अंकल, क्योंकि उसके अंकल उसके राइवल होते हैं और उनका नाम मिस्टर हुआ होता है। और यहाँ पर ग्रैंडपा की एक शर्त भी होती है, जो भी जल्दी से शादी कर बच्चा पैदा करेगा उसे ही ग्रैंडपा नेक्स्ट सीईओ बनाएंगे। असिस्टेंट बोलता है, क्या आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। जिसके बाद दूसरा रिपोर्टर पूछता है, मैंने सुना है आपको कोई बीमारी है। तभी वहाँ पर ये 5 नमूने पहुँच जाते हैं और चैन को डेड कहकर बुलाने लग जाते हैं। ये सुनकर चैन तो खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे भी मालूम नहीं था कि उसके 5 बच्चे हैं। इवन उसे उस नाइट के बारे में भी कुछ याद नहीं था, क्योंकि उस दिन वो नशे में होता है। चैन का भाई टैंक बोलता है, भाई आपने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया और कब कर दिया, पता भी नहीं चला। चैन अपने भाई को साइड करता है और उन बच्चों के पास आकर बोलता है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। उनमें से जो बच्चा हैकर होता है वो वहाँ की स्क्रीन को हैक कर लेता है और सभी को DNA टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है, जो कि पॉजिटिव होती है। और बोलता है, अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये हमारे बाल है, आप दोबारे से DNA टेस्ट भी करवा सकते हैं। रिपोर्टर चैन से पूछने लग जाती है, आपने तो बताया था आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये 5 बच्चे कहाँ से आ गए, बताओ आपकी वाइफ कौन है। असिस्टेंट उस रिपोर्टर को वहाँ से भेज देता है। टैंक बोलता है, भाई ये 5 बच्चे बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा अपनी बहन को बोलता है, अब तुम ही हमारे मॉम डैड को मिलवा सकती हो। जिसके बाद में रोने का नाटक करने लग जाती है। चैन उसे चुप करा रहा होता है तो वो उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ ये न्यूज लिन भी देख लेती है, तो वो भी तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और इतने सालों के बाद वो चैन को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लिन बोलती है, डैड वही मेरी मॉम है। लिन मन में सोच रही होती है, 6 साल पहले तुम मुझे बिना बताए चले गए और एक बार भी मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं किया। और फिर वो हैंडशेक के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, हम कई सालों के बाद मिले हैं।
बेन तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। बेन बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, और अपने बच्चों को समझाने लग जाती है, ये तुम्हारे डैड नहीं है और हमें ऐसे किसी भी अनजान आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। तभी चैन के सर में दर्द होने लग जाता है और उसे पास की मेमोरीज याद आने लग जाती है और सोचता है, क्या सच में मैं इस लड़की को जानता हूँ? और बोलता है, मैं फिर से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। सुनकर सारे बच्चे खुशी की मारी उछलने लग जाते हैं। टैन बोलता है, कल मिस्टर चैन की बर्थडे पार्टी है, वहीं पर हम अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप सब भी वहीं पर पहुंच जाना। नेक्स्ट डे जैसे ही वो अपने बच्चों के साथ पार्टी में पहुंचती है, सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। ये तो लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है ना, जिसे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। लिन का एक बेटा बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी मोम का मजाक उड़ाने की। शिंग बोलती है, ये मिस्टर चैन की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया है? वो बच्चा बोलता है, क्या तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं मालूम? शिंग तो उसे चाटा मारने वाली थी, लेकिन लिन उसे रोक लेती है और बोलती है, अभी मेरे बेटे को सॉरी बोलो। लेकिन शिंग जब सॉरी नहीं बोलती तो वो उसका हाथ मोड़ कर रख देती है। उसके बाद उसे सॉरी बोलना ही पड़ता है। तभी शिंग की दोस्त बोलती है, मालूम भी है ये मिस्टर चैन की मंगेतर है। एक्चुअली मैं यहाँ पर मिस्टर चैन हाउ की बात हो रही थी, यानी कि उस अंकल की। लेकिन बच्चों को लग रहा था यहाँ पर चैन यानी कि उनके डैड की बात हो रही है। ये सुनकर बच्चे बोलने लग जाते हैं, मॉम क्या डैड ने दूसरी वाइफ ढूंढ ली है? आप वो आपको पसंद नहीं करते हैं? चैन बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मैं चैन हाउ की मंगेतर हूँ। जिसके बाद लिन उसके फोन की हिस्ट्री चेक करती है। चैन हाउ ने बस उसे एक बार ही कॉल किया था, ये दिखाकर वो सबके सामने उसकी इंसल्ट करवा देती है। क्या तुम सिर्फ उसकी नाम की गर्लफ्रेंड हो, वो तो तुम्हें याद भी नहीं करता। शिंग गुस्से में आकर उसे मारने वाली थी, तभी हैकर बच्चा बोलता है, मेरी मोम से दूर रहना। तभी मिंग उसे सुई भी छुपा देती है और सभी अंदर की तरफ भागने लग जाते हैं। लेकिन गार्डों ने रोक लेता है, क्या आप लोगों के पास यहाँ का इनविटेशन कार्ड है जो आप लोग अंदर घुसे जा रहे हैं? लेकिन उन लोगों के पास इनविटेशन कार्ड होता नहीं, जिस चीज का फायदा शिंग उठाती है और बोलती है, इन लोगों को यहाँ पर किसी ने भी इनवाइट नहीं किया है, तो इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। बताती है, मैं चैन हाउ की मंगेतर हूँ और ये शान फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए ऐरे गहरे लोग यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते। बच्चे बोलने लग जाते हैं, हमें मिस्टर चैन यानी कि मेरे डैड ने खुद यहाँ पर इनवाइट किया है। लेकिन गार्ड उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन हाउ आ जाते हैं यानी कि अंकल, और बोलता है, किसने कहा मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? शिंग बोलती है, आप ही ने तो कहा था आप मेरे घर पर आएंगे मेरा हाथ मांगने के लिए। अंकल बोलते हैं, तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं तुमसे शादी करूँ, अच्छा रहेगा तुम यहाँ से चली जाओ। के बाद वो लिन को देखता है और सोच रहा होता है, अगर ग्रैंडपा को पता चल गया ये चैन के बच्चे हैं, तो ग्रैंडपा चैन को ही नेक्स्ट सीईओ बना देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद अंकल लिन को बोलते हैं, चैन बीमार है इसलिए ये बच्चे उसके हो ही नहीं सकते हैं, तुम्हें सिर्फ उसके पैसे चाहिए इसीलिए झूठ बोल रही हो ना। ये बोलकर वो उसे एक ब्लैंक चेक देता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लेना। अभी एक बच्चा मिस्टर चैन को कॉल करता है और बोलता है, डैड आप यहाँ पर आ जाइए, सभी लोग यहाँ पर मॉम को बुली कर रहे हैं। मिंग भी बोलती है, लगता है अंकल आप बीमार हो गए हैं, लेकिन मेरी मॉम डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर सकती हैं। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है, सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द लिपट जाते हैं और बोलते हैं, ये बैड आंटी और अंकल दोनों ही मेरी मोम को धमकी दे रहे हैं। चैन बोलता है, अभी तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है जिससे ये साबित हो सके कि मैं तुम लोगों का डैड हूँ। लिन बोलती है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, या फिर तुम मुझसे सच में इतनी ज्यादा नफरत करते हो कि इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे? बोलकर वो उसे जबरदस्ती किस कर लेती है। चैन को पास की मेमोरीज याद आती है तो वो उसे दूर कर देता है। लिन पूछती है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी धमक पड़ते हैं और पूछते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है? अंकल ग्रैंडपा को देखकर बोलते हैं, डैड ये पांचों बच्चे मेरे हैं। उसने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ग्रैंडपा को पता चले ये पांचों बच्चे चैन के हैं, वो उसे कंपनी का सीईओ बना दे।
लिन तो ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। टेनपा बोलते हैं ठीक है मान लिया ये मेरे फैमिली के बच्चे हैं, पर मुझे डीएनए टेस्ट करवाना होगा। अंकल तुरंत अपना बाल तोड़ कर दे देता है। बच्चे चैन को बोलते हैं वो अंकल हमारे डैड नहीं है, आप ही हमारे डैड हो। सारे बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। मॉम के फोन पर जो वॉलपेपर लगा है उसमें तो चैन की ही फोटो है। उसके बाद वो ग्रैंडपा को बोलते हैं आज आपका बर्थडे है ना, इसलिए हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। सारे बच्चे अपने अपना गिफ्ट देने लग जाते हैं। पहला बच्चा एक किताब देता है जिसे देखकर ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, इतनी कम उम्र में तुम इतनी अच्छी किताबें पढ़ते हो। तभी दूसरा बच्चा जो कि हैकर होता है वो शिंग की फ्रेंड की पूरी कंपनी वो कंपनी ग्रैंडपा के नाम कर देता है। ये देखकर सभी शोक हो जाते हैं। वो लड़की बोलती है मुझे मेरी कंपनी वापिस कर दो, ये कोई खेलने का खिलौना नहीं है जो गिफ्ट के तौर पर तुम किसी को भी दे दोगे। वो बच्चा बोलता है नहीं अब ये कंपनी मेरे डैड की है। अंकल बोलते हैं ये बच्चे मेरे हैं, तुम लोग उसे ऐसे नहीं डांट सकते हो। वो बच्चा बताता है कंपनी तो मैंने अपने डैड के नाम करवाई है यानी कि मिस्टर चैन के। ये सुनकर अंकल तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ तो कंपनी उसे क्यों दे रहे हो। अभी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है। अंकल की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव होती है और चैन की नेगेटिव। झूठी रिपोर्ट देख कलिन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। चैन बोलता है पर रिपोर्ट तो तुम्हारे सामने है ना, तो इसमें क्या गलत फहमी होगी। ये सुनकर शिंग तो अलग से ही परेशान हो जाती है क्योंकि वो अंकल की सीक्रेट लवर थी। वो लिन पर गुस्सा करने लग जाती है और अंकल उसी पर चिल्लाने लग जाते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरी वाइफ पर गुस्सा करो तुम। लिन बोलती है ये सब झूठ है, मैं सच साबित कर ही रहूंगी। ये बोलकर वो चैन का एक बाल तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही चलाक थे, उन्होंने अपनी बहन को डैड के पास ही यानी कि मिस्टर चैन के पास छोड़ रखा होता है और अपनी मोम को बोलते हैं चिंता मत करो मोम, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे और अपने डैड की याददाश्त को वापस ला कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ वो लड़की अंकल से रिक्वेस्ट कर रही होती है अपने बच्चे को बोलो कि वो मेरी कंपनी मुझे वापस लौटा दे। अंकल तो गुस्सा करने लग जाते हैं अब कंपनी वापस तुम्हारे नाम नहीं होगी, इवन मैं तुम्हारी फैंग फैमिली को बर्बाद कर रख दूंगा। शिंग बोलती है तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना। अंकल बोलते हैं तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरी भी कोई वाइफ है और मेरे बच्चे भी हैं, वो भी पाँच पाँच। शिंग बोलती है पर वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। अंकल बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें काफी ज्यादा मालूम है इस बारे में, अब उसे तो सारी कहानी पता ही होगी ना क्योंकि सब करा कराया उसी का था। तभी चैन का भाई टैंग आकर उसे बोलता है भाई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। एक्चुअली में चैन का दो बार डीएनए टेस्ट हुआ था, पहली बार उस बच्चे ने जब चैन का बाल दिया था उसमें चैन की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चैन बोलता है लेकिन अभी जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई थी उसमें तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था। तो टैंग उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां पर ग्रैंडमा ने उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदल दी थी। ये बात पता चलते ही अंकल को तो गुस्सा आने लग जाता है। मिंग चैन को आकर बोलती है मुझे आप ही के साथ रहना है, चैन भी मान जाता है। नेक्स्ट डे चैन अपनी बेटी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आ जाता है जिसे देखकर मिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चैन बोलता है तुम अपने ग्रैंडपा का ख्याल रखना, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा। मिंग हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडपा के पास बैठी हुई होती है। ग्रैंडपा की शक्ल देखकर ही समझ जाती है ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसने अपनी मॉम से काफी ज्यादा सीख लिया होता है। तभी फिर से अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और ग्रैंडपा से चैन ग्रुप को मांगने लग जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा देने से मना कर देते हैं क्योंकि अंकल हमेशा पैसों को उड़ाता रहता है। ये सुनकर अंकल उनसे झगड़ने लग जाते हैं और ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाती है। ये देखकर अंकल तो वहाँ से खिसक लेते हैं, लेकिन मिंग ग्रैंडपा को एक नीडल लगाती है जिसके बाद ग्रैंडपा की हालत ठीक हो जाती है। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हें एक्यूपंचर की टेक्निक कैसे आती है। मिंग बोलती है ये सब कुछ मैंने अपनी मॉम से सीखा है क्योंकि जब भी वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करती थी मैं उन्हीं के पास रहती थी। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हारी मॉम तो कमाल है। मिंग बोलती है ग्रैंडपा आपको आराम करना चाहिए। उसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है और बताती है ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं उन्हें देखने के लिए अपनी मॉम को बुला सकती हूँ। लेकिन खुद चैन ही अपने ग्रैंडपा के पास आ जाता है और उनका ख्याल रख रहा होता है और उसके बाद अपनी बेटी से पूछता है क्या तुम्हें लिन की याद आ रही है। मिंग बोलती है उनसे ज्यादा तो हमें आपकी याद आती थी, क्यों ना हम सभी लोग साथ में रहें। नेक्स्ट सीन में अंकल लिन को मिलने के लिए बुलाते हैं। अंकल उसे बोलते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए बता दो मुझे, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें मेरे साथ मिलकर चैन ग्रुप को मुझे दिलाने में हेल्प करनी होगी।
कुत्ते की लिन तो उसको सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिंग अपनी मोम से बातें कर रही होती है। मुझे लिन को उसी दिन मार देना चाहिए था। असमें दिखाया जाता है वो किसी आदमी को पैसे देती है और बोलती है लिन जिस रूम में है तुम्हें भी वहीं पर जाना है। एक्चुअली में उस दिन उसे किसी और बंदे को लिन के साथ सोने के लिए हायर किया था पर गलती से वहाँ पर चैन पहुँच गया था। प्रेजेंट में उसकी मोम उसे डांट रही होती है अगर तुमने ये सब ना किया होता तो आज इतना बड़ा ड्रामा ना होता और तुम चेनाओ के साथ कितने सालों से रिलेशनशिप में हो पर अभी तक तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। शिन बोलती है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा मिलता ही नहीं है। मोम बोलती है तो क्या हुआ तुम प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग तो कर सकती हो ना। नेक्स्ट डे लिन शिन को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी धमक पड़ती है। तुम चैन फैमिली की बहू कभी भी नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो। वो बोलती है ग्रैंडमा मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़ी हो लेकिन आपको मेरे बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अभी अंकल को शिंग की कॉल आ जाती है वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन अंकल तो उसे इग्नोर मार देते हैं तो देखकर शिंग को तो गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर अंकल लिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। लिन बोलती है भला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। चैन अपनी ग्रैंडमा को समझाने लग जाता है। ग्रैंडमा बोलती है तुम इसकी बातों पर यकीन क्यों कर रहे हो। बच्चे बोलते हैं क्योंकि हमने डीएनए टेस्ट करवाया है जो कि पॉजिटिव आया है। अंकल बोलते हम कैसे यकीन मान ले कि तुम सच बोल रहे हो, हो सकता है झूठ बोल रहे हो। लिन बोलती है आखिरकार मैं झूठ क्यों बोलूंगी, चैन ही उनका डैड है। तभी शिंग भागी हुई वहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को एक चाटा मार देती है। ये झूठ बोल रही है क्योंकि किसी को भी नहीं पता था इतने सालों तक लिन कहाँ पर थी। लिन चैन को बोलती है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। शिंग बोलती है वो तुम पर यकीन क्यों करेगा, पहले ये बताओ इतने सालों तक तुम कहाँ पर थी। लिन बोलती है मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक से चैन बेहोश हो जाता है। शिंग बोलती है देखो तुम्हारी वजह से मिस्टर चैन परेशान हो गए हैं। लिन बोलती है भला तुम हमारे पर्सनल मैटर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रही हो। शिंग बोलती है क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ। अंकल बोलते हैं पर मैंने ये कब कहा। तो शिंग उसे प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाती है जो नकली होता है पर अंकल तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने शर्त रखी हुई थी जो भी पहले बच्चे को जन्म देगा वही चैन ग्रुप का सीईओ बनेगा। सुनकर अंकल तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लिन अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है लेकिन मिंग नहीं जाती। चैन को पिंक छुपाती है तो उसे अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। ये सुनकर मिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन अंकल बोलते हैं तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि अब मैं पहले डैड बनने वाला हूँ ना और मेरे डैड मुझे ही प्रेसिडेंट बनाएंगे इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। चैन बोलता है मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिंग बोलती है डैड आप उन्हें इग्नोर कीजिए, मोम पर ध्यान दीजिए वो यहाँ से जा रही है, जल्द ही मोम को ढूंढना होगा। तो वो लोग तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सभी एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। अभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि मिंग को उसके भाई ने कॉल कर बता दिया था लेकिन जब तक वो लोग पहुँचते हैं तब तक फ्लाइट वहाँ से निकल चुकी होती है। चैन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मिंग बोलती है डैड आप परेशान मत हो क्योंकि मेरा भाई हैकर है। दूसरी तरफ उसके भाई ने फ्लाइट को हैक कर लिया होता है और वो लोग वापिस आ जाते हैं। मिंग अपनी मोम को हक कर बोलती है डैड को सब कुछ याद आ चुका है। लिन तो खुशी की मारी चैन को किस कर लेती है। इसके बाद जैसे ये लोग घर वापिस आते हैं मिंग शिंग की नर्व चेक कर बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है जिसके बाद अंकल और शिंग दोनों ही मिंग पर गुस्सा करने लग जाते हैं। मिंग बोलती है मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। शिंग बोलती है वो एक बच्ची है और मेरे पास रिपोर्ट है तो बोलकर वो उसे रिपोर्ट दिखा देती है। चैन होगा बेवकूफ जो तुम्हारी बातों में आ सकता है पर चैन हाउ बेवकूफ नहीं है जो तुम उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सको। तभी चैन को याद आ जाता है उस वक्त अंकल ने ही उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाई थी ताकि वो लिन से शादी ना कर पाए क्योंकि लिन के डैड ने लिन और चैन की ही शादी फिक्स की थी लेकिन एक्सीडेंटली वो दोनों एक होटल में मिली गए थे तो इस तरह उनकी शादी तो नहीं हुई पर उन दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। ये सारी बातें सुनकर ग्रैंडपा तो अंकल पर गुस्सा करने लग जाते हैं। अंकल बोलते डैड आप मुझ पर गुस्सा ना करें। चैन बोलता मैं जल्दी इस बात का आप लोगों को सबूत भी दे दूंगा। अंकल तो गुस्से में वहाँ से चले ही जाते हैं जिसके बाद ग्रैंडपा सारे बच्चों को हक कर लेते हैं और सभी को सॉरी बोलने लग जाते हैं। मैंने तुम लोगों को गलत समझा और तुम पर यकीन नहीं किया।
सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं, ग्रैंडपा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर फाइनली हम सब लोग साथ में हो गए। शिंग की मोम आका लिन पर चिल्लाने लग जाती है, तुमने मेरी बेटी की फिर से इंसल्ट कर दी, वो बस रोई जा रही है तुम्हारी वजह से। लिन बोलती है उसने मेरे साथ पास में बहुत ज्यादा गलत किया है, और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे तो पता चलना ही था ना कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मॉम बोलती है तुम तो एक छोटे से क्लिनिक में काम करती हो, तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। लिन बोलती है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा सकती हैं। मॉम तो ड्रामा करने लग जाती है, मेरी बेटी ने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी वजह से उसने मरने की भी कोशिश की। ये सुनकर लिन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्या वो ठीक है। मॉम बोलती है अच्छे बनने का ड्रामा करना बंद करो, और ये बोलकर सारी चीजें फेंकने लग जाती है, जिसमें से मिंग की एक स्टिक भी टूट जाती है, जो देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि 3 दिन बाद उसका कंपटीशन होता है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और उसे खड़ा करता है, क्या तुम ठीक हो। लिन बोलती है मैं तो ठीक हूँ, पर मिंग की एक स्टिक टूट गई है। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एक और ला दूंगा। ये बोलकर वो किसी को कॉल करता है। इसी तरफ शाओ ग्रैंडपा के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर शिंग अपनी मोम के साथ टपक पड़ती है। शिंग की मोम बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ग्रैंडपा शाओ को बोलते हैं तुम मेरा वेट करो, मैं आंटी से बात कर अभी आता हूँ। वो आंटी के साथ दूसरे रूम में चले जाते हैं। पीछे से शिंग जबरदस्ती शाओ को कोई मेडिसिन पिला देती है, जिसकी वजह से शाओ की सांसें फूलने लग जाती है क्योंकि उसे अस्थमा होता है। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और उसे उठाकर एक जगह पर लिटा देते हैं। अभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है, जो अपने बेटे को ऑक्सीजन देती है। लिन को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी मोम को एक शाटा लगा देती है। तो दोनों माँ बेटी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिन का बेटा उन्हें रोक लेता है, लेकिन मोम उसे धक्का मार कर वहाँ से चली जाती है, तो लिन उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ शिंग को सच में वोमिट आने लग जाती है और सोचती है अब तो मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद वो अंकल के पास आकर बोलती है हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अंकल बोलते हैं लेकिन मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है। शिंग बोलती है तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर चेकअप करवा सकते हो। अंकल बोलते हैं झूठ मत बोलो, हो सकता है ये बेबी किसी और का हो। शिंग बोलती है नहीं, ये बेबी सच में तुम्हारा है। अंकल वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग कॉम्पिटिशन में अच्छा कर रही होती है। ग्रैंडपा बोलते हैं आज हम साथ में एक रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, जो सुनकर सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी शिंग आकर बोलती है लिन प्लीज मेरी हेल्प करो ना, क्योंकि चैन हाओ मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है, वो मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहता है। लिन बोलती है तुम्हारे झूठ की वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। शिंग ग्रैंडपा को बोलती है प्लीज आप ही मेरी हेल्प कीजिए ना। चैन बोलता है तुम्हें तो ग्रैंडमा के पास जाना चाहिए ना, हमारे पास क्यों आई हो। शिंग बोलती है माना कि मैं गलत थी, पर इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है। पापा बोलते हैं ठीक है घर चलकर सारा फैसला करते हैं। इसके बाद सभी लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा और चैन शिंग घर आ जाते हैं। शिंग मौका देखकर चैन के पानी में कुछ मिला देती है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो चैन के साथ अपनी फोटोज क्लिक करने लग जाती है और लिन को सेंड कर देती है। लिन उन फोटोज को देखकर तुरंत घर के लिए निकल जाती है, बच्चे भी उन फोटोज को देख लेते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही चैन को होश आता है तो वो शिंग को अपने पास देखकर शॉक हो जाता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिंग वहाँ पर रोने धोने की नौटंकी करने लग जाती है, तुमने मेरा एडवांटेज उठाया है। तभी अंकल ग्रैंडपा को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। अंकल तो उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम अपने अंकल की वाइफ को ही टच कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि ये प्रेग्नेंट भी है। शिंग बोलती है जब मैं आई तो चैन को चक्कर आने लग गए, तो मैं उसे रूम में छोड़ने के लिए आई, पर उसने मुझे बाहर ही नहीं जाने दिया। ये सब सुनने के बाद तो ग्रैंडपा भी चैन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। चैन उन्हें समझाने का ट्राई भी करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसकी एक बात नहीं सुनते, उल्टा उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। चैन बोलता है मुझे शिंग ने ही फंसाने की कोशिश की है। शिंग बोलती है भला मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी, मैं ऑलरेडी चैन हाओ के बच्चे की मोम बनने वाली हूँ। चैन बोलता है झूठ मत बोलो, तुमने मेरे पानी में कुछ गड़बड़ की थी। अंकल उसका कॉलर पकड़ कर बोलते हैं तुम झूठ मत बोलो, समझे तुम। तभी लिन आकर बोलती है अच्छा ये सब तुमने नहीं किया है तो तुमने मुझे फोटोज क्यों भेजी थी। उन फोटोज को देखकर तो यही पता चलता है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। अंकल लिन को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, तो चैन भी अंकल का कॉलर पकड़ लेता है। आप मेरी वाइफ की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो।
तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आकर बोलती है शिंग की शादी अब चैन के साथ होगी। ये सुनकर चैन और लिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और लिन को बोलती है तुम्हारे बच्चे यहीं पर रहेंगे, तुम यहाँ से जा सकती हो। लिन बोलती है मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं पर भी जाने वाली नहीं हूँ। ग्रैंडपा ग्रैंडमा को बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ग्रैंडमा बोलती है तो फिर हम सब कुछ वकील पर छोड़ देते हैं कि अब बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। लिन वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा शिंग को भी बोलती है तुम भी चैन फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती हो, हमें बस तुम्हारा बेबी चाहिए। ये सुनकर शिंग बोलती है ये आप क्या बोल रही हो। अंकल बोलते हैं अभी के लिए फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ ना। दूसरी तरफ चैन लिन को मनाने के लिए आता है तुम ग्रैंडमा की बातों का बुरा मत मानो और मेरे साथ वापस घर चलो। लेकिन लिन बोलती है तुम्हारी ग्रैंडमा मुझे इतना ज्यादा गलत क्यों समझती है, और चैन पर गुस्सा करते हुए उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन चैन भी घर के बाहर बैठा ही रहता है। बच्चे बोल रहे होते हैं बाहर आज काफी ज्यादा ठंड है, लगता है डैड ठंड से ही मर जाएंगे। ये सारी बातें लिन भी सुन रही होती है। वो देखती है चैन तो ठंड की मारी बेहोशी हो गया है, तो वो उसे अंदर लाकर ठंडे पानी की पट्टियां करने लग जाती है। तभी चैन को होश आ जाता है और उसे बोलता है प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अंकल और शिंग ने मिलकर ये सारा ड्रामा किया था और ये दोनों जो भी बातें कर रहे होते हैं चैन उन सब की वीडियो बना लेता है। अंकल की बातों से चैन को पता चलता है कि उसके मोम डैड को भी अंकल ने ही मारा है। के बाद वो अपने भाई टैंक से मिलता है और ये सारी बातें उसे बता देता है। मुझे शक हो रहा है कि अंकल ने ही हमारे मोम डैड को मारा है, मैं उनके खिलाफ सबूत ढूंढने पड़ेंगे। टैंक बोलता है भाई तुम चिंता मत करो मैं इस मामले की पूरी छानबीन करूंगा। चैन बोलता है पर इस बात को हमें सीक्रेट ही रखना होगा, तो वो हाँ बोल देता है। उसी तरफ ग्रैंडमा और शिंग लिन के पास आई होते हैं उनके बच्चों को लेने के लिए। सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं आंटी आप हमारी फैमिली को तोड़ना चाहती हैं ना। ग्रैंडमा बोलती है क्या तुमने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे की है, ये तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है, इसलिए तुम हमारी चैन फैमिली में रहने के लायक नहीं हो और ये सारे बच्चे चैन फैमिली के हैं, इसीलिए हम इन्हें अच्छी परवरिश देंगे। और ग्रैंडमा गार्ड्स को ऑर्डर देती है बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ। उन्हें रोकने लग जाती है लेकिन ग्रैंडमा उसके बच्चों को लेकर चली जाती है। शिंग उसे रोक कर बोलती है तुमने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। शिंग बोलती है तुम मेरे बच्चों से दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लेकिन शिंग तो उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। लिन चैन को कॉल कर बताती है, चैन ये सारी बातें ग्रैंडपा को बता देता है। ग्रैंडमा लिन के घर पर जाकर सारे बच्चों को जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गई है। ग्रैंडमा जैसे ही घर पर आती है तो ग्रैंडपा उन पर चिल्लाने लग जाते हैं। चैन बोलता है ग्रैंडमा मैं कस्टडी के लिए कभी भी झगड़ा नहीं करने वाला, लेकिन ग्रैंडमा तो दोनों से झगड़ने लग जाती है जिस वजह से ग्रैंडपा को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। सीन में ग्रैंडपा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अंकल चैन पर गुस्सा करने लग जाते हैं तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, मेरे डैड को कुछ हुआ ना फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है, वो बोलती है मैं ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अंकल उसे रोक लेता है मेरे डैड की हालत तुम दोनों की वजह से ही खराब हुई है। फिर नर्स आकर बताती है ग्रैंडपा काफी ज्यादा सीरियस है। ये सुनकर ग्रैंडमा को तो चक्कर आने लग जाते हैं और वो लिन पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से दफा कर देती है। नेक्स्ट सीन में लिन चैन के घर अपने सारे बच्चों को लेने के लिए आई होती है। ग्रैंडमा उसे जाने से रोक लेती है तुम इनको यहाँ से नहीं लेकर जा सकती हो। अंकल बोलते हैं लगता है ये बच्चों के बहाने हमारे चैन फैमिली की प्रॉपर्टी को लेने आई है। लिन बोलती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वो बच्चा बोलता है आपको नहीं मालूम कि हमारी मॉम ने किस तरीके से हमें पाला है, वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है तो शाओ यहाँ पर रहेगा। जो सुनकर शाओ तो डर जाता है और उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं। अभी लिन शाओ को एक पिन पिंच करती है तो वजह से वो ठीक हो जाता है। शाओ तो रोने लग जाता है मॉम मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझे कोई डैड नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। इनको गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडमा पर गुस्सा करने लग जाती है। चैन भी ग्रैंडमा को वो वीडियो दिखा देता है कि ये सारा कांड अंकल और शिंग ने मिलकर किया है। चैन अंकल को बोलता है उस दिन शिंग हमसे हेल्प मांगने के लिए आई थी कि तुम उसके बच्चे पर शक कर रहे हो और तुम उसके बच्चे को मारना चाहते हो। ये सारी बातें चैन ने उस दिन रिकॉर्ड कर ली होती है, जिसे सुनकर अंकल तो उसे एक चाटा लगा देते हैं। शिंग अंकल को समझाने लग जाती है लेकिन मिंग बोलती है इस आंटी ने तो पहले भी झूठ बोला था,
कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी और ये अभी भी झूठ बोल रही है। हो सकता है ये सच में किसी और का बच्चा हो। अंकल तो गुस्से में शिंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। शिंग जाने से पहले शाओ को कुछ पिला देती है और फिर हंसने लग जाती है। शाओ नीचे गिर जाता है। ग्रैंडमा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बोलता है मैं इस बच्चे का इलाज नहीं कर पाऊंगा। ग्रैंडमा तो डॉक्टर पर चिल्लाने लग जाती है, तो किस बात के डॉक्टर हो तुम। लिन अपनी पूरी कोशिश करती है और अपने बेटे को बचा लेती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो शिंग को पकड़कर मारने लग जाती है। शिंग बोलती है मैंने ये सब अकेले नहीं किया, इस अंकल ने भी मेरा साथ दिया था, और अगर मेरी मोम को पता चल गया तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर ये बात डैड को पता चल गई तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तो तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्सीन में लिन ग्रैंडमा पर गुस्सा कर रही होती है। से हमारा चैन फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। चैन उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। तुम्हारी फैमिली ने आज मेरे बेटे को बस मार ही दिया था और तुम मुझे ही समझा रहे हो। आपसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्सीन में टैंक चैन को बताता है मोम डैड की कार में सच में किसी ने कोई गड़बड़ कर दी थी। ये सुनकर चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन टैंक बोलता है पहले हमें इसके खिलाफ पक्के सबूत ढूंढने होंगे। पर तुम चिंता मत करो, मैंने अपने फ्रेंड को इस काम में लगा दिया है। चैन बोलता है थैंक यू, तुम्हारे बिना पता नहीं मैं क्या ही करता। टैंक बोलता है मैंने सुना है एक मास्टर डॉक्टर है जो ग्रैंडपा को ठीक कर सकता है, हमें उसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फिर से बच्चों से मिलने के लिए आ जाती है। सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं आप फिर से यहाँ पर क्यों आई हैं? लिन बोलती है तुम लोगों को बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। शाओ ग्रैंडमा के लिए टी लेकर आता है, लेकिन कप तो खाली होता है। ग्रैंडमा बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर लिन से माफी मांगने के लिए आई थी, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम मेरे पोते से भी शादी कर सकती हो। लेकिन इस बार लिन शादी करने से मना कर देती है। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है तो सारे बच्चे उसके पास चले जाते हैं। ग्रैंडमा सारे बच्चों को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर चली जाती है ताकि ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सके और आपस के बीच की नोक झोंक को खत्म कर सके। चैन बोलता है मुझे माफ कर दो, पर क्या सच में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। लिन बोलती है जब तुमने मुझे प्रपोज ही नहीं किया तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? लिन बोलता है इसका मतलब अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो तुम शादी के लिए मान जाओगी। लिन हाँ बोल देती है। चैन उसे किस करने ही वाला होता है, वो उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ शिंग गिर जाती है क्योंकि उसके पेट में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और उसकी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, यानी कि उसका मिसकैरेज हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर वो चेनाओ को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल उठाता नहीं है तो वो चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ चैन ग्रैंडमा को बोलता है जब तक ग्रैंडपा ठीक नहीं हो जाते तब तक हम दोनों शादी नहीं करेंगे। मिंग बोलती है मेरी मॉम ग्रैंडपा को ठीक कर सकती है। चैन बोलता है हमें एक मास्टर डॉक्टर की जरूरत है, ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हैं। मिंग बोलती है आप जिस मास्टर की बात कर रही हैं वो मेरी मॉमी है। सुनकर चैन तो शोक हो जाता है, क्या वो डॉक्टर तुम ही हो? ये सुनकर ग्रैंडमा भी अपनी बहू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। नेक्सीन में चैन शाओ को ऑफिस लेकर आ जाता है। ये देखकर सारे एम्प्लॉय उसकी तारीफें किए जा रहे होते हैं। बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है ना। जैसे ही वो अपने ऑफिस के अंदर आता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग बैठे होते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारे अंकल ने हमसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने वापस देने की जहमत नहीं उठाई है। बोलता अंकल ने पैसे लिए थे तो उन्हीं से मांगने चाहिए ना, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी टैंक बताता है अंकल ने चैन ग्रुप की सपोर्टिव कंपनी बाय कर ली है। चैन अंकल से पूछता आपने पुराना घर गिरवी क्यों रखा, अब ग्रैंडमा और ग्रैंडपा कहाँ पर रहेंगे? अंकल बोलते तुम इन्हें पैसे दे दो, ये उस घर को नहीं लेंगे। चैन पूछता है अंकल ने कितने पैसे उधार लिए हैं, तो वो बंदा 30 मिलियन बता देता है। कल चिल्लाने लग जाते हैं इतने सारे पैसे मैंने तुमसे उधार नहीं लिए थे। चैन बोलता है मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है देने को, अगर आप लोग अंकल को लेकर जाना चाहते हो तो यहाँ से ले जाओ, आपको इनके साथ जो करना है वो कर सकते हो। अंकल बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, भूल गए मैं तुम्हारा अंकल हूँ। चैन बोलता है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है देने को। अंकल बोलते हैं तुम्हारे मॉम डैड के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, तुम उन्हें बेच दो। चैन बोलता है मुझे मालूम है आपने वो सारी प्रॉपर्टी बेच कर ऑलरेडी सारे पैसे उड़ा दिए हैं, अब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बची है। अभी वो आदमी बोलता है पहले मुझे पैसे दे दो, बाद में तुम दोनों झगड़ लेना। शाओ बोलता है मैं सारे पैसे दे दूंगा। चैन बोलता है मुझे मालूम है तुम काफी ज्यादा
जीनियस हो, पर इतने सारे पैसे तुम कहाँ से दोगे? शाओ बोलता है, मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। क्या मजाक कर रहे हो, अब ये बच्चा मुझे पैसे देगा? लेकिन शाओ उसे एक पहले कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के लिए बोलता है। टैंग चैन को बोलता है, भाई तुम्हारे तो सारे बच्चे एक से बढ़कर एक है, लेकिन हम अंकल की हेल्प क्यों कर रहे हैं? हमें तो उन्हें सजा देनी है ना? चैन बोलता है, पहले हम इस मामले को निपटा लेते हैं, बाद में अंकल को भी देख लेंगे। शाह उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर बोलता है, ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता है। उसके बाद वो अपने भाई को कॉल करता है और कर्ज में डूबी हुई कंपनी को खरीद लेता है, यानी कि अब उसे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंकल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो आदमी बोलता है, तुम इस कंपनी को कैसे खरीद सकते हो? शाओ बोलता है, कर्ज में डूबी हुई कंपनी के साथ आखिरकार कौन ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा? सारा मैटर सॉल्व होते ही सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, लेकिन अंकल तो वहाँ से खिसकने वाले थे। लेकिन चैन अंकल को रोक लेता है, आप कहाँ पर जा रहे हो? चैन बोलता है, तुम लोगों ने आज मेरी बहुत हेल्प की है, क्यों ना हम लंच साथ में करें। नेक्स्ट सीन में टैंग शाओ को घर छोड़ने के लिए आता है और वो शाओ की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है। टैंक के वहाँ से जाते ही शिंग की मोम गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। एक तो उसकी बेटी का मिसकैरेज हो गया था, दूसरा वो ना चाहते हुए भी लिन को चैन फैमिली से दूर नहीं रख पाए थे। मोम लिन पर हमला करने वाली थी, लिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अभी वहाँ पर चैन आ जाता है और लिन मोम को नीडल चुभा कर बेहोश कर देती है। उसे बोलती है, हमें इन्हें जेल भेज देना चाहिए। चैन ओके बोल देता है और उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में मिंग अपनी मोम के हाथ पर पट्टी बांध रही होती है, तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है। मिंग बोलती है, डैड अब आप ही मोम का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। जिसे ये दोनों जैसे ही किस करने वाले तो मिंग उन्हें चुपके से देखने लग जाती है, जिसके बाद वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। चैन बोलता है, मैं जल्दी ही सारे मामले को सुलझा कर तुमसे शादी कर लूंगा और अब मैं दोबारा तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं पड़ने दे सकता, इसीलिए तुम सब बच्चों को लेकर मेरे घर चलो। नेक्स्ट सीन में वो चैन के घर पर आ जाती है। शिंग भी भागी हुई वहाँ पर आ जाती है और लिन से रिक्वेस्ट करने लग जाती है, प्लीज मेरी मोम को जाने दो ना। लिन बोलती है, उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। शिंग बोलती है, उन्होंने ये सब मेरे लिए किया था, इसलिए बहन होने के नाते क्या तुम उन्हें जाने नहीं दे सकती हो? क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो गया था, ये मेरी मोम पागल हो गई थी। लिन बोलती है, तो इसमें मेरी क्या गलती थी जो तुम्हारी मोम मुझे मारना चाहती थी? और वैसे भी डैड ने मुझे लिन फैमिली से पहले ही निकाल दिया था, तो अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हूँ। शिंग बोलती है, तुम कितनी ज्यादा रूड हो। ग्रैंडमा बोलती है, तुम्हारी और तुम्हारे मोम के लिए यही सजा है। तभी वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं। शिंग अंकल से हेल्प मांगने लग जाती है, लेकिन अंकल बोलते हैं, तुम तो मुझसे दूर ही रहना। जो सुनकर शिंग को तो गुस्सा आ जाता है और अंकल के सारे चिट्ठे सबके सामने खोलकर रख देती है कि अंकल ने कंपनी को पाने के लिए क्या क्या कांड किए हैं। उसने सबसे पहले चैन के बीमार होने की अफवाह सबके सामने फैलाई और 6 साल पहले उसने चैन को स्विमिंग पूल में धकेल दिया था, जिसकी वजह से चैन की मेमोरीज चली गई थी। आपको पता है क्या चैन फैमिली के बड़े बेटे की डेथ कैसे हुई थी? यानी कि चैन के मोम डैड की। उनका एक्सीडेंट भी अंकल ने ही करवाया था। यह सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत तो फिर से बिगड़ने लग जाती है। अंकल बोलते हैं, ये अपने साथ मुझे भी फंसाना चाहती है, इसीलिए ये सब झूठ बोले जा रही है। चैन बोलता है, वो एकदम सच कह रही है, ये बात मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अंकल तो शिंग का गला ही पकड़ लेते हैं, वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी लिन का सबसे छोटा बेटा वहाँ पर आ जाता है तो अंकल उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ से भागना चाहता था। अंकल बोलते, तुम लोग आगे मत आना वरना ये गया काम से। शिंग तो हंसने लग जाती है और लिन को बोलती है, अगर तुमने मेरी पहले हेल्प कर दी होती तो ये सब ना होता। अंकल तो लिन के बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर लिन तो बेहोश हो जाती है और ग्रैंडपा के हार्ट में पेन होने लग जाता है। असिस्टेंट शिंग को भी वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसे होश आता है तो वो चैन से अपने बेटे के बारे में पूछती है। चैन उसे बताता है, मैंने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है, पर अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चला है। ये सुनकर लिन अपने बेटे को खुद ही ढूंढने के लिए जाने लगती है। चैन उसे रोक कर बोलता है, मुझे मालूम है तुम परेशान हो, पर तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लिन बोलती है, चैन सबसे छोटा है, वो पहले से ही बहुत ज्यादा डरपोक है, इसीलिए मैं हमेशा उसे अपने पास ही रखती हूँ, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। अगर अंकल ने उसे धमकाया तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा, हमें जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा। तभी मिंग आकर बोलती है, मोम आप चिंता मत करो, भाई उसकी लोकेशन ढूंढ रहा है। शाओ आकर उसे एक फोटो दिखाता है और बोलता है, ये कोड है जो हम दोनों ने साथ में सोच कर रखा था, वो जहाँ पर भी होगा उसने ये निशान बना रखा होगा।
हमें उसे जीपीएस के थ्रू ढूंढना चाहिए। ये बात चैन टैंक को भी बता देता है, लेकिन यहाँ पर जिन बिल्कुल भी सरपोक नहीं था, बल्कि वो तो उल्टा अंकल को और भी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। वो बोलता है मैं ये सड़ा हुआ खाना नहीं खाऊंगा। अंकल बोलते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें घुमाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया है समझे तुम, अगर तुम्हें ये खाना खाना है तो खा लो वरना कोई नहीं। वो जैसे ही खाने को देखता है तो बोलता है ये कितना ज्यादा ऑयली है, ऐसे नहीं खा सकता हूँ। अंकल बोलते हैं बेटा मुझे एक बात बताओ, किडनैप तुम हुए हो या मैं। तभी चैन अपने बंदों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो निशान भी बना हुआ होता है, जिसके बाद सभी लोग धीरे से अंदर आ जाते हैं। अंकल तुरंत नाइफ उठा लेते हैं और सभी को दूर रहने के लिए बोलते हैं। चैन बोलता है हम बैठकर भी बातें कर सकते हैं, लेकिन अंकल नहीं मानते। मैंने चैन ग्रुप को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं इसे मार डालूंगा बिल्कुल तुम्हारे मॉम डैड की तरह। चैन पूछता है आपने मेरे मॉम डैड को क्यों मारा। अंकल बोलते हैं मैंने तुम्हारे डैड से 10 मिलियन उधार लिए थे नया बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं चल पाया और सारे पैसे डूब गए। ये बात तुम्हारे डैड ग्रैंडपा को बताने वाले थे, मैंने उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि वो ना बताएं, लेकिन वो नहीं माने, इसीलिए मैंने उनका एक्सीडेंट करवा दिया, क्योंकि बिजनेस में हर कोई कामयाब नहीं हो सकता, तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला। जिन अंकल को काट कर तुरंत चैन के पास आ जाता है। अंकल उसे नाइफ मारने ही वाले होते हैं, तभी चैन बीच में आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है और अंकल को पकड़ कर जेल भेज देते हैं। सीन में वो हॉस्पिटल में होता है, लिन ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को बोलती है मैं इसके पास हूँ आप जाकर रेस्ट कीजिए। उसके बाद चैन को भी होश आ जाता है और वो लिन को बोलता है क्या तुम और बच्चे डर गए थे। लिन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में पता था कि उनके साथ क्या हुआ है, तो इस बारे में तुमने सबको क्यों नहीं बताया। चैन बोलता है क्योंकि मैं ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को दुखी नहीं करना चाहता था, जब उन्हें पता चलेगा उनका बेटा कैसा है कि उसने अपने ही बड़े भाई को मार डाला। लिन बोलती है हाँ तुमने सही किया। चैन बोलता है सारे मैटर सॉल्व हो गए हैं, बस अब एक काम बाकी है। लिन पूछती है वो कौन सा है। चैन बोलता है शादी करने का। लिन बोलती है पहले ठीक हो जाओ बाद में शादी भी कर लेंगे। चैन बोलता है ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। लिन बोलती है ऐसा नहीं है और उसे किस कर भाग जाती है, यानी कि उसका जवाब हाँ होता है। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं जहाँ पर ये लोग फैमिली फोटो खिंचवा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन हॉस्पिटल में डिलीवरी करने आई होती है और जिन कोर्ट से प्रे कर रहा होता है मुझे एक छोटा सा भाई चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं। तभी नर्स खुशखबरी देती है कि इस बार लिन ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस कहानी का DNP हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।